नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश अनएम्प्लॉयड सर्विस सिलेक्शन आउटसोर्सिंग एजेंसी द्वारा विभिन्न श्रेणियों के 893 पदों को भरने के नोटिफिकेशन की, और इसके साथ ही बात करेंगे HP यूनिवर्सिटी द्वारा विभिन्न पदों के रिटर्न एग्जामिनेशन के शेड्यूल को पोस्टपोन करने के बारे में, और हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विभिन्न पदों के लिए डेट एक्सटेंड करने के बारे में। पहले बात करते हैं हिमाचल प्रदेश अनएम्प्लॉयड सर्विस सिलेक्शन आउटसोर्सिंग एजेंसी। शिमला ने विभिन्न श्रेणियों के 893 पदों को भरने के लिए प्रदेश के 18 से 45 वर्ष आयु वर्ग के उम्मीदवारों से 10 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस बारे में एजेंसी द्वारा आवेदन की डेट को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। एजेंसी की सचिव गरिमा शर्मा ने बताया कि प्रदेश के इच्छुक महिला व पुरुष उम्मीदवार अपना आवेदन, पदनाम सहित साधारण एप्लीकेशन सहित अपना बायोडाटा, फ़ोन नंबर सहित आधार कार्ड, पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र, लेटेस्ट शैक्षणिक योग्यता की मूल प्रमाण पत्र की फोटोकॉपीज, हिमाचली बोनोफाइड रोजगार कार्यालय का पहचान पत्र की PDF फाइल बनाकर एजेंसी के व्हाट्सएप नंबर 6230906536 पर अपना आवेदन निर्धारित डेट तक भेज सकते हैं। इन सभी पदों की लिखित परीक्षा 20 नवंबर को उम्मीदवारों के व्हाट्सएप नंबर पर ली जाएगी। उम्मीदवारों को एनरोलमेंट नंबर व्हाट्सएप पर ही ऑनलाइन ही जारी किए जाएंगे। लिखित परीक्षा का परिणाम 22 दिसंबर को ऑफिशियल वेबसाइट पर घोषित किया जाएगा। एजेंसी सचिव ने बताया कि विभिन्न श्रेणियों में क्लर्क, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, सुरक्षा गार्ड, सुरक्षा सुपरवाइजर, सुरक्षा हेड गार्ड, टीम मैनेजर, ब्रांच मैनेजर, टेलीकॉलर फीमेल, बैंक EMI रिकवरी एग्जीक्यूटिव, ऑफिस कोऑर्डिनेटर फीमेल, ITI इलेक्ट्रीशियन इलेक्ट्रिकल, ITI मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, ITI फीटर, ITI मैकेनिकल, ITI टर्नर, ITI प्लम्बर, ITI बेल्डर, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा ऑल ट्रेड, सिविल इंजीनियर, प्लेसमेंट ऑफिसर, फार्म सेल्स एग्जीक्यूटिव, डिलीवरी एग्जीक्यूटिव, सिक्योरिटी ऑफिसर, बैंक रिलेशनशिप मैनेजर, स्टाफ नर्स ANM, स्टाफ नर्स GNM, जनरल वर्कर हेल्पर, पेट्रोल पंप अटेंडेंट, जूनियर इंजीनियर, सीनियर असिस्टेंट, डाटा एंट्री ऑपरेटर, अकाउंटेंट फीमेल, बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर, एरिया सुपरवाइजर, ड्राइवर, SBI लाइफ इंश्योरेंस मैनेजर, कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव, टाइम कीपर, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर, बैंक रिकवरी मैनेजर, ब्रांच चीफ एग्जीक्यूटिव, लैब टेक्नीशियन, आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट, स्टोर एंड लॉजिस्टिक मैनेजर, HR ऑफिसर, मीटर रीडर एग्जीक्यूटिव आदि के पदों को भरने के लिए अधिसूचना जारी की गई है। आवेदन शुल्क सभी श्रेणी के उम्मीदवारों के वर्गों को कैटेगरी जनरल, SC, ST, OBC, फ्रीडम फाइटर, स्वतंत्रता सेनानी, APL, BPL, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग के लिए आवेदन शुल्क ₹1870 निर्धारित किया गया है, जो कि नॉन रिफंडेबल रहेगा। असफल उम्मीदवारों को भी एजेंसी द्वारा नौकरी दी जाएगी। नियुक्त किए गए उम्मीदवारों को डाक माध्यम द्वारा ज्वाइनिंग ऑर्डर जारी किए जाएंगे। उम्मीदवार अधिकतर जानकारी के लिए कार्यालय के टेलीफोन नंबर 01907-292-034 पर HR ऑफिसर के साथ या फिर मोबाइल नंबर 9418139918 पर संपर्क कर सकते हैं। अब बात करते हैं HP यूनिवर्सिटी द्वारा भर्ती की छठी परीक्षाओं का शेड्यूल, जो कि वापस लिया गया है, उसके बारे में। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने विभिन्न श्रेणियों के पदों के लिए पूर्व में जारी किए गए छठनी परीक्षाओं के शेड्यूल को वापस ले लिया है। विश्वविद्यालय के कुलसचिव की ओर से इस संदर्भ में जारी की सूचना के अनुसार 13 अक्टूबर को जारी किए छठनी परीक्षाओं के संभावित शेड्यूल को प्रशासनिक कारणों से वापस ले लिया गया है। भर्ती की छठनी परीक्षाओं का शेड्यूल तय कर दोबारा से जारी किया जाएगा। उन्होंने अभ्यर्थियों को नई तिथियों के लिए नियमित रूप से विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर नज़र रखने की सलाह दी है। यूनिवर्सिटी ने चुनाव की घोषणा से पूर्व JOA चालक परिचालक सहित विभिन्न श्रेणी के पदों के लिए छठनी परीक्षा का संभावित शेड्यूल जारी कर दिया था। मतदान की डेट के रोज भी चालक परिचालक की छठनी लिखित परीक्षा तय की गई थी। इसी बीच चुनाव की तिथियाँ घोषित हो जाने पर
फिलहाल छठनी परीक्षाएं टालनी पड़ी हैं। प्रशासन दोबारा से इसे लेकर शेड्यूल जारी कर अभ्यर्थियों को सूचित करेगा। अब बात करते हैं 1647 पदों के लिए निकली वैकेंसी जिसकी डेट एक्सटेंड करती है हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग ने। HP कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर ने विभिन्न पदों के लिए आवेदन करने की डेट को 5 नवंबर तक बढ़ा दिया है। आयोग की वेबसाइट में तकनीकी खराबी आने और प्रदेश भर से युवाओं की मांग पर आयोग ने यह निर्णय लिया है। पहले आवेदन की डेट 29 अक्टूबर तक निर्धारित की गई थी। चयन आयोग हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग, पुलिस, HRTC और बिजली बोर्ड समेत 79 विभिन्न पोस्ट कोड में 1647 पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू की है। आयोग ने योग्य अभ्यर्थियों से 30 सितंबर से लेकर 29 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन मांगे थे। कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर के सचिव डॉक्टर जितेंद्र कंवर ने बताया कि आयोग 79 विभिन्न पोस्ट कोड में 1647 पद भरेगा। आयोग ने ऑनलाइन आवेदन की डेट को अब 5 नवंबर तक बढ़ा दिया है। धन्यवाद।